प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही उसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्रीमन अस्पताल की खास पेशकश हेल्थ और वेलनेस। दर्शकों, आज पूरी दुनिया में एक विषय जो चिंता का बना हुआ है वो है कोरोना वायरस। इसके विषय में श्रीमन अस्पताल ने पिछली बार भी प्रयास करा था कि आपको जानकारी दें कि किन किन कारणों से ये फैल रहा है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे इससे थोड़ा दूर रह करके अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। दर्शकों, इसी सिलसिले को आज हम बढ़ाते हैं आगे और श्रीमन अस्पताल की तरफ से आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर निखिल महाजन जी। डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल महाजन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आज दर्शकों, हम आपके साथ एक बहुत छोटी सी बातचीत करेंगे, डॉक्टर निखिल महाजन जी से राय लेंगे कि गैस्ट्रो से कोरोना वायरस का क्या संबंध है, कोरोना वायरस के क्या लक्षण गैस्ट्रो के माध्यम से पता करे जा सकते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, और किस तरीके से हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं कि हम इस भीषण बीमारी की चपेट से दूर रहें। डॉक्टर निखिल, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तक ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज मानी गई है, तो गैस्ट्रो का इसके साथ क्या रिलेशन है? देखो, कोविड इज बेसिकली इट्स अ पैंडेमिक। आजकल WHO ने इट हैज़ डिक्लेयर्ड इट एज अ पैंडेमिक। तो सबसे पहले हमें जानना है, सभी मेडिकोज नॉन मेडिकोज इसके ऊपर बातें कर ही रहे हैं, तो हम अपने टॉक लिमिटेड रखेंगे ताकि वी कैन गिव अ डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन टू द लिसनर्स। तो कोविड जो है, इट इनिशियली वायरल इन्फेक्शन है बेसिकली। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट, GI इन्वॉल्वमेंट, मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, कहीं कुछ भी किसी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। बट जो रेट्रोस्पेक्टिव डाटा देखा गया है, जो कि पेशेंट्स चाइना में अफेक्ट हुए थे उनके ऊपर देखा गया है, मैक्सिमम इनिशियली दे प्रेजेंट विद URI सिम्टम्स। उसमें वी वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये चार सिम्टम्स रहते हैं उनको। उसके अलावा व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही नॉर्मल वायरस बॉडी में इन्फेक्ट करता है पेशेंट को, फीवर, सोर थ्रोट रहता है, जैसे कोर्स आगे चलता है ओवर द कोर्स ऑफ 1 वीक, जैसे ही 6-7 माह दिन निकलता है, दीज पेशेंट्स देखा गया कि 40-50% ऑफ पेशेंट्स को डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, कई पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, कई पेशेंट्स को पेट में दर्द होती है, यहाँ तक कि देखा गया 25% ऑफ द पेशेंट्स रेट्रोस्पेक्टिवली देखा गया है कि दे प्रेजेंट ओनली विद GI सिम्टम्स, खाली हॉस्पिटल आएंगे पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, और ऐसे पेशेंट्स में डिटेक्ट करना कि उनको कोविड है, कोरोना है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री पे हम फोकस करते हैं, और एनी पेशेंट हु हैज़ अ ट्रैवल हिस्ट्री इवन GI सिम्टम्स के साथ प्रेजेंटेशन भी कोरोना हो सकती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। दर्शकों, डॉक्टर निखिल महाजन जी ने बता दिया कि एक हफ्ते के बाद GI सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, पेट खराब हो जाना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होने, या ऐसी अलग अलग बीमारियां जो गैस्ट्रो से संबंधित हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस समय तक आते आते इसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जनरली इसके लिए इनको ट्रेवल हिस्ट्री डिटेक्ट करनी पड़ती है कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है, वो कितना घूम फिर रहा है, कहाँ कहाँ गया था, मतलब ये देखना पड़ जाता है कि क्या क्या चांसेस हैं उसके अंदर इस बीमारी के होने के। डॉक्टर निखिल महाजन, हम ये चाहेंगे कि जो गैस्ट्रो से संबंधित ये शुरुआत होती है उसमें क्या सावधानियां हमारे दर्शक रखें जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। तो हम पेशेंट्स को यही बोलेंगे, पैनिक नहीं होना है, सेल्फ क्वारंटीन करनी है, घर पे बैठना है, अगर आपको वायरल सिम्टम्स हैं, URI सिम्टम्स हैं, इवन गैस्ट्रो सिम्टम्स हैं, तो आप घर पे बैठिए, सेल्फ क्वारंटीन करिए। अगर 7-8 दिन के बाद यूजुअली वायरस का कोर्स नीचे की तरफ शुरू हो जाता है, 90-95% ऑफ केसेस, जिनमें नहीं होता, जैसे ओल्ड एज पीपल हैं, डायबिटिक हैं, या कोमोबिलिटीज हैं, उनमें रिस्क रहता है कि कोर्स ऊपर की तरफ जाने का, उनमें पेशेंट को सांस चढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है, फीवर सबसाइड नहीं करता, उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है।
और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है हमें पैनिक नहीं होना है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी किस तरह अवॉइड करना है काफ़ी लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक खाने पीने को लेकर के जो समय चिंता का विषय बना हुआ है, कोई कहता है कि नॉनवेज नहीं खाना, कोई कहता है कि अंडे नहीं खाने, साग सब्जी नहीं खानी, इसके बारे में हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि खाने पीने के बारे में क्या सावधानियां रखनी है, क्या नॉनवेज कैसे लेकर, हालांकि कई बार इसके बारे में बातचीत हो चुकी है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार आप बताएं कि क्योंकि देखिए जब ये वायरस शुरू हुआ, जिससे सब कहते हैं चाइना से शुरू हुआ, ये एनिमल वायरस है बेसिकली, इट स्टार्टेड फ्रॉम एनिमल्स ओनली। तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी, ह्यूमंस स्टार्टेड ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स से ये ह्यूमंस में आया, बट उसके बाद अब ट्रांसमिशन इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ही है। सो अब एनिमल से नहीं आ रहा, पहली चीज़ ये है। तो किसी भी हमें जैसे लोगों में डर बैठा है कि चिकन नहीं खाना, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाना, वैसा कुछ नहीं है, हम खा सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी खाना है अच्छे तरीके से कुक करके खाना है, उसका रीज़न कोरोना नहीं है, बट बाकी इन्फेक्शंस, बाकी वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं कैच हो जाए उसके लिए कोरोना का रिस्क मिनिमल है, ना के बराबर है चिकन मीट या अंडे से। बाहर के जो खाने पीने का जो समय, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से हर चीज़ को बंद करा गया है, बट फिर भी बाहर के खान पीन में क्या ध्यान रखना है? देखो जो वायरस ट्रांसमिट होता है ये दो तरीके से ट्रांसमिट होता है, एक तो हवा से ट्रांसमिट होता है और दूसरा फोमाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। हवा से तो ट्रांसमिशन हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से, 1 मीटर से दूर का डिस्टेंस बना के रखना है आपस में, ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। दूसरा तरीका है फोमाइट्स के थ्रू, जो हमें जानना ज़रूरी है। फोमाइट्स कोई भी जरिया हो सकता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग फोमाइट का काम कर सकती है, उस वायरस को ट्रेवल करने में हेल्प कर सकती है। जैसे कि हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, कोई भी आदमी आपको बाहर का खाना सप्लाई करेगा, उसके हाथ से वो पैकेट पे खाने पे खाने के पैकेट पे वायरस जा सकता है, उसके थ्रू वो आपके ऊपर आ सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बाहर का खाना मत खाइए। उसका रीज़न ये नहीं कि खाने में वायरस रहेगा या खाना अनकुक्ड रहेगा, बट फोमाइट जो खाना की प्लेट है, खाना यूज़ हुआ है, किस तरीके से आपको सप्लाई किया गया है, उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। खाना ही नहीं बल्कि एनीथिंग, न्यूज़पेपर्स, कोई भी चीज़ आप इवन कुरियर मंगवा रहे हैं उसमें भी मैं तो बोलूँगा रिस्ट्रिक्शंस करनी चाहिए। शुड बी सोशली अपने आप को आइसोलेट करो, घर में रुकिए और बाहर की चीज़ें मत खाइए। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया कि फॉर्माइट के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है। फॉर्माइट के थ्रू ट्रांसमिशन मतलब किसी भी एक चीज़ के माध्यम से वो वायरस आप तक पहुंच सकता है, एक आम आदमी को टच कर सकता है। तो जैसा कि सरकार भी बार बार इनिशिएटिव ले रही है, कोशिश कर रही है, अपील कर रही है हमसे कि कम से कम हम कम्युनिटी में मूव करें, कम से कम कम्युनल गैदरिंग, कम से कम गैदरिंग्स करें, चाहे वो सोशल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे रिलीजियस हो, किसी भी गैदरिंग को रिड्यूस करा जा रहा है। खाने का सामान यदि हम बाहर से बनवाते हैं, मंगवाते हैं, खाने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस की प्रॉब्लम ना हो, बट किस तरीके से वो पैक हुआ है, किसके थ्रू आया है, उस माध्यम से वो चीज़ आ सकती है। तो थोड़े समय के लिए अगर हम स्वस्थ समाज चाहते हैं, स्वस्थ राष्ट्र चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है या जा सकता है, हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। खाना पीना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, बट अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर ले जाएं, बाहर के खाने पीने की चीज़ों को बंद कर दें, घर की पकी हुई चीज़ें खाइए, घर में रहिए, ऐसे वातावरण में मत जाइए जहां पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो और चांसेस हो कि ये वायरस एक से दूसरे के पर ट्रांसफर सके कर सके। दर्शकों, हम डॉक्टर निखिल महाजन जी से जानना चाहेंगे कि क्या कोई स्पेशल संदेश आप देना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहूँगा, हमें पैनिक नहीं करना है, ये पैंडेमिक है, विश्वभर में फैला है, जस्ट पैनिक नहीं करना है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, हाथों का ध्यान रखना है, जस्ट बच्चे और बूढ़ों का ध्यान रखना है बेसिकली, हमें उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना है। वही लोग हैं जो सबसे एट हाई रिस्क हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है और सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है। डायबिटिक पेशेंट्स या जिनके अंदर, डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला है, हम आप एक बार रिपीट करना चाहेंगे, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, जिनकी हिस्ट्री है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की, या जो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, उन लोगों को भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा मूवमेंट में ना आए, थोड़ा सा बचाव करें, क्योंकि थोड़े से बचाव से हम इस बहुत बड़ी बीमारी से खुद को ही नहीं पूरे समाज और देश को बचा सकते हैं। गैस्ट्रो से संबंधित क्या क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं,
क्या क्या सावधानियां आपने रखी हैं वो डॉक्टर निखिल महाजन ने आपको बता दी हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी टॉक से आपको ज़रूर एक बहुत बड़ी लड़ाई में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। श्रीमान अस्पताल की ये जो खास पेशकश है हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें आज इतना ही। डॉक्टर निखिल महाजन, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।